हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल गुलाब स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वैदिक संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। यह दूसरा सेट है। चलिए तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण या फिर सोम? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इंद्र। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या फिर खगोल? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, असतो मा सद गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अर्थवेद, अथर्ववेद? तो बताओ इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए अश्वर्थ हम बसे थे? आर्य भारत में बाहर से आए अश्वर्थ हम बसे थे? तो इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब में। पंजाब इसका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा बताओ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कपिल, उलुक्कड़, अक्षयपाद, गौतम या फिर पतंजलि? तो इसका सही उत्तर क्या होगा इन चार ऑप्शन में से? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उलुक्कड़। उलुक्कड़ जो है वो वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक है। अब अगला प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी, बद्रायण, कपिल या फिर गौतम? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है जैमिनी। जैमिनी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक है? तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बद्रायण। ठीक है, बद्रायण इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सातवां मंडल, आठवां मंडल, नौवां मंडल या फिर दसवां मंडल? तो बताओ ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नौवां मंडल। नौवां मंडल जो है वो ऋग्वेद का पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट लड़ा है? प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध जो है वो किस तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, परुषणी। परुषणी, ठीक है, परुषणी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में से एक सही उत्तर होगा दोस्तों, बताओ इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही उत्तर है एक बटे छः। ठीक है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर एक बटे छः। अगला प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो किस युग से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग से। ठीक है, ब्राह्मण युग इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
आपका अगला प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित भूगाज गोई का महत्व इसलिए है कि, तो किस लिए है? इन ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा बताओ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें चार वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो किस पुस्तक में मिलता है गायत्री मंत्र? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या फिर भगवद गीता? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। आपका अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा बताओ। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने। ठीक है, गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्कर्ष से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के? तो प्राचीन भारत में निष्कर्ष से जाने जाते थे किसको? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। ठीक है, स्वर्ण आभूषण इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, गौतम, जैमिनी या फिर शंकराचार्य? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? पतंजलि, गौतम, जैमिनी या फिर शंकराचार्य? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। पतंजलि जो है यो योग दर्शन के प्रतिपादक है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर? बताओ इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। ठीक है, उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर है। आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर होगा बताओ दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। सिंधु जो है वो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और आप लोग यदि नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।